2000 के नोट बंद होने की ये है असली वजह। पर नोटबंदी के 6 साल बाद आरबीआई को क्यों ये कदम उठाना पड़ा? इसका कारण है आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी। साल 1999 में स्टार्ट की गई क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई का एम था कि अच्छी क्वालिटी की करेंसी नोट्स और कॉइन्स लोगों को अवेलेबल करवाई जाए और फटे हुए करेंसी को बाहर किया जाए। आरबीआई ने बैंक्स को इंस्ट्रक्ट किया कि सिर्फ अच्छी क्वालिटी के नोट्स पब्लिक को प्रोवाइड हो और पुराने नोट्स एंड कॉइन्स को रिसाइकल के लिए भेज दिया जाए। नवंबर 2016 में 500 और 1000 में डीमोनेटाइजेशन के फैसले से इकोनॉमी पर कुछ समय के लिए नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। वी हैव डिसाइडेड दैट द 500 रुपी एंड 1000 रुपी करेंसी नोट्स प्रेजेंटली इन यूज विल नो लॉन्गर बी लीगल टेंडर फ्रॉम मिडनाइट टू नाइट, दैट इज 8 नवंबर 2016। लोगों को कैश की प्रॉब्लम्स आने लगी तो इकोनॉमी को वापस रफ्तार में लाने के लिए सरकार ने निकाला इस एक टेम्पररी रिलीफ, 2000 रुपीज के नए नोट्स इशू किए। साथ ही आरबीआई ने 4 से 5 साल में 2000 के नोट्स को वापस लेने का समय सीमा भी तय की। इसलिए साल 2019 के बाद 2000 के नोट्स की प्रिंटिंग बंद कर दी गई। वक्त गुजरने के साथ 2000 के नोट्स के सर्कुलेशन में कमी आने लगी। 31 मार्च 2018 के दिन 6.73 लाख करोड़ की टोटल मार्केट सर्कुलेशन थी और 2000 के नोट्स की हिस्सेदारी करीब 37% थी। वहीं 31 मार्च 2023 को ये नंबर 3.62 लाख करोड़ तक रह गया, यानी टोटल मार्केट सर्कुलेशन में से 2000 के नोट्स का सिर्फ 10.8% रह गया। आरबीआई के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग ट्रांजैक्शन के लिए 2000 का नोट यूज नहीं कर रहे, तो आरबीआई ने अपने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के नोट्स को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला किया। बढ़ती हुई बैंक ट्रांजैक्शन और आरबीआई के स्टेप्स हमें एक डेवलप्ड नेशन के रास्ते पर लेकर जा रही है। बैंक्स में ज्यादा पैसा आने से फ्यूचर करेंसी की सर्कुलेशन इंक्रीज होगी और लोगों को लोन्स में आसानी होगी। इसके अलावा सेंट्रल बैंक की क्लीन नोट पॉलिसी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर प्ले कर सकती है नोट्स की वापसी में। घर, देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एयर न्यूज को। शुक्रिया।